गढ़ा थाना क्षेत्र भेड़ाघाट बाईपास के पास पिंडरी निवासी सनी पटेल की सिर कुचलकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सनी की हत्या करने वाले उसके दोस्त पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पप्पू चौधरी का सनी पटेल से रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद था और इस विवाद के चलते उसने सनी की हत्या कर दी थी। गढ़ा थाना क्षेत्र भेड़ाघाट बाईपास के पास मंगलवार की रात पिंडरी निवासी सनी पटेल की सिर कुचलकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त पाटन निवासी पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पप्पू ने सनी की हत्या का जुर्म स्वीकार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके और सनी के बीच रुपए के लेन देन का विवाद था और इसी के चलते उसने सनी की हत्या की थी। मृतक भोला सेन की के टपरे की दुकान के जस्ट बाजू में चीप है, वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके ऊपर उसकी मोटरसाइकिल थी। जानकारी में ये तथ्य संज्ञान में आया कि इसका किसी पप्पू कोरी नाम के व्यक्ति से वाद विवाद हुआ था। पप्पू कोरी ने 1500 रुपये वहाँ जो स्टेशन के सामने एक किराने की दुकान है वहाँ रख दिए थे, जो इसने उठा लिए थे। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। मृतक ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। इसी का बदला लेने की नीयत से जब यह शाम को भोला सेन की दुकान के पास वहाँ पर लेटा हुआ था तो उसने वहाँ पर पत्थर इसके सिर पर पटक कर इसकी हत्या कर दी। चंद ही घंटों में इसका खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पत्थर और उसके कपड़े भी बतौर साक्ष्य जब्त किए हैं।